हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिव सर। आप सभी का मैथ्स स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एडवांस मैथ्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री पर कंप्लीट डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होने जा रही है। फ्रेंड्स, इस कम्प्लीट डिस्कशन को हम आपके सामने 25 लेक्चर्स में लेकर प्रेजेंट होंगे, जिसे आपकी प्रिपरेशन को इजी करने के लिए 3 सेगमेंट में आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। जिसका फर्स्ट सेगमेंट होगा बेसिक को क्लियर करने पर, जिस पर हम 15 लेक्चर्स लेकर आपके सामने आएंगे कि बेसिक को कैसे क्लियर किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। एंड बेसिक क्लियर होने के बाद 5 लेक्चर्स लेकर आएंगे, जो कि मेरिट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, सो मेरिट डिस्कशन करेंगे। एंड लास्ट सेगमेंट में बेसिक एंड मेरिट डिस्कशन के बाद जो हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग आती है किसी क्वेश्चन को डील करने की, इसके बेसिस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर हम डिस्कस करेंगे, जिस पर 5 लेक्चर्स होगी। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने पूरी कोर्स को डिजाइन किए हैं ताकि सभी के लिए समारोह से उपयोगी साबित हो, फ्रेशर्स के लिए भी और जो पहले से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी देते आ रहे हैं। फ्रेंड्स, याद रखें, जिसका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स नहीं है वो भी इन लेक्चर से अपनी बेसिक को क्लियर कर एग्जाम्स में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। इस तरीके से ये पूरी कोर्स आपके सामने प्रस्तुत हम करेंगे। फ्रेंड्स, यू नो, फर्स्ट वीडियो हमने जो आपके सामने लाए थे, जिसमें मैथ्स पर हमने पूरा रिव्यू दिए थे कि प्रीव्यू कैसे टोटल मैथ्स किस तरीके से होती है, किस तरीके से टॉपिक को आपको सॉल्व करने चाहिए, ये पूरा हमने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किए थे। आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से लिंक लेकर फर्स्ट वीडियो का आप स्टडी कर आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री किन टॉपिक पे डिपेंड करती है और किस तरीके से स्टडी करना चाहिए, हमने वहाँ डिस्कस कर चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, सो हम डिस्कस स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यू नो, ट्रिग्नोमेट्री का टोटल जो कैलकुलेशन है वो अलजेब्रा पर डिपेंड करती है, आप फर्स्ट वीडियो से अंडरस्टैंड कर लेंगे, वहाँ पर हमने पूरा डिस्कस किए हुए हैं। तो इस तरीके से हमारी पूरी कैलकुलेशन जो होती है अलजेब्रिक होती है, और ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शंस एंड एंगल्स को हम उन कैलकुलेशन के बेसिस पे यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट जो लेक्चर है वो ट्रिग्नोमेट्री के रिव्यू पर होगी। रिव्यू कैसे किया जाता है कि टोटल टॉपिक किन किन टॉपिक पर क्वेश्चन बनती है, किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के सिलेबस को तैयार किया गया है कमीशन के द्वारा कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन को पूछने के लिए, इन सब बेसिक्स पर हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो टोटल जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है वो ट्रिग्नोमेट्री के ओवरव्यू पर डिपेंड है। ओके फ्रेंड्स, तो हम डिस्कस स्टार्ट करते हैं। याद रखिए, पूरी जो लेक्चर है सभी एग्जाम्स के लिए, बेसिकली SSC, CDS, NDA, CPO, CHSL जैसे एग्जाम्स के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी, एंड NTPC एग्जाम्स में भी काफ़ी उपयोगी साबित ये लेक्चर्स आपके लिए होगी। सो फ्रेंड्स, डिस्कस स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली स्टडी करने के लिए दो टॉपिक पर आपको कमांड होनी चाहिए। फर्स्ट टॉपिक है एंगल्स की पूरी जानकारी होनी चाहिए, एंड सेकेंड फंक्शंस की जानकारी आपको होनी चाहिए। एंगल्स एंड फंक्शन की जानकारी अगर आपके पास 100% है तो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन को आप समझ सकते हैं और कैलकुलेशन करके बहुत ही आसानी से कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे कि एंगल्स के अंतर्गत कितने प्रकार की एंगल ट्रिग्नोमेट्री में अप्लाई होती है, उन एंगल्स की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, एंड सेकेंड फंक्शन किस तरीके से क्रिएट होता है, इस पर हम डिस्कस करेंगे सेकेंड पार्ट में। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि कैलकुलेशन को किस तरीके से एंगल और फंक्शन यहाँ पर प्रभावित करती इफेक्ट करती है। ओके फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्री को स्टडी करने के लिए इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग ही एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इस पर हम डिस्कस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो बेसिक होती है वो एंगल्स की होती है। एंगल्स की पूरी टाइप्स आपको पता होना चाहिए, उसकी वैल्यू आपको पता होना चाहिए,
किन किन एंगल के बेसिस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूरी आपके पास वैल्यू पता होनी चाहिए। एंड सेकेंड आपके पास आता है फंक्शंस की जानकारी, फंक्शंस जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ग्रुप में स्टडी करते हैं आगे जाके। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री को स्टडी करने के लिए एंगल्स एंड फंक्शंस आपकी क्लियर होनी चाहिए, इसकी पूरी वैल्यू एंड एक्सप्रेशन क्लियर होनी चाहिए, तभी आप ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन को आप समझ पाएंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं कि एंगल कितने प्रकार की होती है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, उस पर हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, एंगल टाइप्स आते हैं फर्स्ट यहाँ पर 0° to 90° की एंगल्स की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। 0° 30° 45° 60° एंड 90° मीन 0 to 90° इसकी वैल्यू, इसकी टेबल की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो हमारे जो लेक्चर होगी उस पर हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। एंड सेकेंड यहाँ पर 0 और 30 के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स होता है उसकी वैल्यू पता होना चाहिए। 7.5° 15° 18° एंड 30° 45 के बीच में कुछ एंगल्स की वैल्यू होती है। 36° एंड 45 60 के बीच में 54° की वैल्यू होती है एंड 60 और 90 के बीच में 72 एंड 75° की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। एंड थर्ड में आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को शॉर्टकट में सी ए लिखते हैं एंड इसको ऐसे लिखते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स की बेसिक आपको क्लियर होनी चाहिए, इसके बेसिस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100% यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एंड फोर नंबर पे आपके पास आता है -θ° to n(360±θ) की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए, इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। मीन्स -θ 90±θ की वैल्यू, 180±θ की वैल्यू, 270±θ की वैल्यू, 360±θ की वैल्यू एंड n(360°±θ) की वैल्यू आपको निकालनी आनी चाहिए, इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। एंड फाइव नंबर पे आपके पास हाइट एंड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो टू एंगल्स यूज होता है, एलिवेशन एंगल एंड डिप्रेशन एंगल, इसकी प्रेजेंटेशन आपको पता होना चाहिए। एलिवेशन एंगल एंड डिप्रेशन एंगल। फ्रेंड्स, एलिवेशन एंगल को हिंदी में उन्नयन कोण बोलते हैं, उन्नत कोण, एंड डिप्रेशन एंगल को अवनमन कोण बोलते हैं या अवनत कोण बोलते हैं। तो इस तरीके से एंगल्स की इतने टाइप्स आपके पास होनी चाहिए, वैल्यू पता होनी चाहिए, इसकी एक्सप्रेशन में कैसे यूज करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो आपका 50% जो है यहाँ पर बेसिक क्लियर हो जाता है अप्लाई करने के लिए। सो फ्रेंड्स, याद रखें फर्स्ट जो आपको 0 to 90° की टेबल आपको पता होनी चाहिए, वैल्यू पता होनी चाहिए। एंड सेकेंड में 0 to 90 के बीच में कुछ एंगल्स, इंपॉर्टेंट एंगल्स की वैल्यू होती है वो आपको फाइंड आउट करने आनी चाहिए। एंड थर्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू आपको निकालनी आनी चाहिए, आखिर इसकी किस तरीके से प्रेजेंटेशन किया जाता है। एंड फोर्थ नंबर पे -θ° to n(360±θ° की वैल्यू आपको निकालनी आनी चाहिए। एंड फाइव नंबर पे हाइट एंड डिस्टेंस का जो टॉपिक रीडिंग करते हैं तो एलिवेशन एंगल एंड डिप्रेशन एंगल क्या होती है ये आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में इतने एंगल्स का यूज होता है। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं सेकेंड सेगमेंट में जहाँ पर फंक्शंस के बारे में जानकारी आपको कंप्लीट होनी चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री में कितना फंक्शंस होता है और उनका किस तरीके से प्रेजेंटेशन होता है, मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन किस तरीके से क्रिएट होती है, किस तरीके से फॉर्मेटिंग होती है, तो इसी पर डिपेंड करते हैं फंक्शंस पर। यू नो फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्री में 6 फंक्शन होती है, sin θ, cos θ, tan θ, cot θ, सेकेंड एंड cosecant थीटा। हम आने वाले वीडियोस में बेसिक से हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पर हम फिलहाल रिव्यू कर रहे हैं, ओवरव्यू पर डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाएंगे, सिर्फ हम फंक्शंस के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि किन किन फंक्शंस को हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर आता है
साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेकेंड थीटा एंड कोसेकेंड थीटा। इसकी एक्सप्रेशन आपको पता होनी चाहिए कि साइन थीटा का मीनिंग क्या होता है, कॉस थीटा का मीनिंग क्या होता है, टेन थीटा, कॉट, सेकेंड, कोसेक को किन किन फंक्शन पर डिपेंड करती है, इसकी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। सेकेंड आता है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, सेकेंड स्क्वायर थीटा, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। तो जो फंक्शन यहाँ पर दे रखा है उसकी स्क्वायर में कैसे रिलेशन होती है, आइडेंटिटीज कैसे बनती है, तो उसका पूरा एक्सप्रेशन आपको एक्सप्रेस करने आने चाहिए। ओके फ्रेंड्स, एंड थर्ड आपके पास आता है साइन ए प्लस माइनस बी की वैल्यू, कॉस ए प्लस माइनस बी की वैल्यू, टेन ए प्लस माइनस बी की वैल्यू एंड कॉट ए प्लस माइनस बी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करने आनी चाहिए, जो कि सभी साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक पर डिपेंड करती है। तो इस तरीके से बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री में सिक्स फंक्शंस होती है वो तीन तरीके से आपके पास एग्जाम्स में आती है। इन 1, 2, 3 से एक्सप्रेशन क्रिएट करने आनी चाहिए, किस प्रकार से उसको फॉलो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। तो फंक्शंस यहाँ पर इतने का हम पूरी प्रेजेंटेशन करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। एंड थर्ड नंबर पे आपके पास आता है, इसका यूजेस है थर्ड नंबर पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थर्ड पॉइंट होती है, मीन्स फर्स्ट एंगल्स एंड फंक्शंस, एंगल और फंक्शंस अगर आपकी कंट्रोल में इसकी वैल्यू पता है, इसकी एक्सप्रेशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, तो इसके बेसिस पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की जो मेरिट क्वेश्चन होता है 100% यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इस पर हम डिस्कस करेंगे। एंड फोर नंबर टॉपिक में आपके पास कंडीशनल आइडेंटिटीज, इससे क्वेश्चन बनता है। तो इस तरीके से आपके पास देख सकते हैं कि बेसिकली एंगल्स एंड फंक्शंस के बेसिस पे यहाँ पर दो सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट आ रही है, सेक्शंस आ रही है, जिससे 100% क्वेश्चन बनता है। तो ये बेसिक एंगल और फंक्शंस के क्लियर होने पर ही आप इसके एक्सप्रेशन को समझ पाएंगे और बिल्कुल ही कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। बिल्कुल आपको 2 से 3 या 5 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाती है, मेरिट क्वेश्चन। फिर आती है फाइव नंबर पर यहाँ पर रिलेशन बिटवीन होता है एंगल्स, थ्री कंडीशंस होती है, डिग्रीज, ग्रेड एंड रेडियन। रिलेशन बिटवीन डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन। तो इन तीनों एंगल्स में जो रिलेशन होती है इसके बेसिस पे 100% क्वेश्चन आता है। एंड सिक्स नंबर पार्ट आपके पास है वो हाइट एंड डिस्टेंस, यहाँ से भी 100% क्वेश्चन बनता है। इस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन को अच्छे डायरेक्शन के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री को प्रिपेयर करने के लिए इन सेगमेंट में डिवाइड करनी चाहिए, क्योंकि इसी सेगमेंट के अकॉर्डिंग जो कमीशन से जो एग्जाम कंडक्ट कर रहा है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, एक बार हम रिपीट करते हैं, हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स की वैल्यू आपको पहले रीडिंग करनी चाहिए एंड सेकेंड में फंक्शन का जितना भी एक्सप्रेशन क्रिएट होता है उसकी एक्सप्रेशन आपको पता होनी चाहिए। जब ये दोनों क्लियर हो जाते हैं उस पर 3, 4, 5 और 6 ये टॉपिक डिपेंड करती है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड के बेसिक पर यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मीन्स त्रिकोणमितीय सर्वसमिका का क्वेश्चन आप डील कर सकते हैं। एंड फोर नंबर पे जो कंडीशनल आइडेंटिटीज है यहाँ पर प्रतिबंधित सर्वसमिकाएँ, इस क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं। फिर यहाँ पर एंगल्स जो आता है वो डिग्रीज, ग्रेड एंड रेडियन में रिलेशन के बीच में होती है, जो क्वेश्चन होती है इस पर 100% क्वेश्चन बनते हैं, इसका आपको प्रेजेंटेशन आनी चाहिए। एंड लास्ट में हाइट एंड डिस्टेंस, इन सब के बेसिस पे हम हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन को डील करते हैं। तो इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री का पूरी क्लासिफिकेशन होनी चाहिए एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए। ओके फ्रेंड्स,
तो आप देख सकते हैं एग्जाम में जब हम सीजीएल एसएससी सीजीएल के बारे में बात करते हैं तो 11 से 12 क्वेश्चन आता है, वो इन्हीं के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। यहाँ से हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं, यहाँ से हाइट एंड डिस्टेंस से 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं, यहाँ से 1 क्वेश्चन होता है, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चंस होता है, और यहाँ से 2 और 3 क्वेश्चंस होता है। इस तरीके से किसी भी एग्जाम्स की तैयारी आप इस सेक्शन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं और 100% क्वेश्चन को आप एग्जाम में कम टाइम में अटेम्प्ट कर सकते हैं और एक अच्छे स्कोर की तरफ इस वे से तैयारी करके आप आगे रिजल्ट को सिक्योर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, पूरे सिलेबस को हम इसी तरीके से हम डिस्कस करेंगे आपके सामने। आज के इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं एंड आप अपना कमेंट्स जरूर दें कैसा लगा वीडियो आपको, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको टाइम टू टाइम इसी प्रकार के वैल्यूबल वीडियो मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स, बाय, टेक केयर।